पीएम मोदी के रूस दौरे का आज है दूसरा और खास दिन। कजान पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कजान में ही पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में आज मुलाकात की भी तस्वीरें सामने आएंगी। पीएम मोदी शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होनी है। 5 साल बाद ऐसा हो रहा है जब दोनों देशों के प्रमुख आमने सामने होंगे। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों में LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर भी सहमति बनी है, यानी कि जिस तरीके से LAC पर टकराव की स्थिति थी वैसे में दोनों देशों के बीच में बातचीत बनती हुई नजर आ भी रही है। ऐसे में दोनों देशों के प्रमुखों का आमने सामने द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होना, इस पर निगाहें न सिर्फ चीन और भारत की है बल्कि अलग अलग देशों की निगाहें भी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान में हैं। कजान शहर में आज एक ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग पर अमेरिका, पश्चिमी देशों समेत कई अलग अलग देश हैं दुनिया के जिनकी निगाह बनी हुई है। बैठक में एशिया के दो दिग्गज देशों के राष्ट्र प्रमुख 5 साल बाद एक औपचारिक बातचीत करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय बैठक होनी है। दुनिया भर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए ये बैठक कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना इससे पहले 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुआ था। इसके बाद अब 2024 में रूस में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में दौरान ही दोनों नेता आपस में मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात पर अमेरिका, पश्चिमी देशों की नजर बनी हुई है, दुनिया की निगाहें हैं। 5 साल बाद दोनों नेता आमने सामने रहेंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच में बनी सहमति के बाद दोनों देशों के बीच में ये बैठक हो रही है। भारत और चीन के बीच बीते कई सालों से पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच में गतिरोध खत्म करने के लिए भारत के साथ समझौता लगभग हो गया है, और जब समझौता हो गया है उसके बाद में मुलाकात खास कही जा रही है। पीएम मोदी शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इससे पहले कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में खास मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान दोनों के नेताओं के बीच की बॉन्डिंग नजर आई है। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत भी किया। जिस अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत किया गया, मिले पुतिन, उस तस्वीर को भी दुनिया भर में देखा जा रहा है, उस पर बात हो रही है। दोनों देशों के बीच में ये मुलाकात खास, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो और पीएम मोदी हो, या फिर उधर शी जिनपिंग और आज पीएम मोदी के बीच में जो बातचीत होनी है उसकी चर्चा हो। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी कजान में इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिक्स का मंच होगा, अलग अलग नेताओं से मुलाकात और बातचीत की तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन खास ये तब कहा जा रहा है ब्रिक्स समिट जब दुनिया में अलग अलग देशों के बीच में टकराव भी है, युद्ध की स्थिति भी है। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी पीएम मोदी ने उठाया है और ये कहा है कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है भूमिका निभाने के लिए। भारत के लायक अगर इसमें कोई भी भूमिका है तो उस पर भारत मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच का ये युद्ध रुकना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में तबाही बढ़ी हुई है और ऐसे में अब आज के वक्त में जब ईरान इसराइल के बीच में भी टकराव है, रूस यूक्रेन के बीच में टकराव है, अलग अलग देशों के समीकरण अलग अलग तरीके से नजर आ रहे हैं। कोई किसी के खिलाफ है, कोई किसी के साथ है। ऐसे में ब्रिक्स समिट का ये होना और यहाँ अलग अलग देशों के प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात या बातचीत होना ये कई मायनों में खास है। बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में जुड़ गया है। डॉक्टर शांतेश कुमार मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत आपका। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से अलग अलग देशों में टकराव की स्थिति है या फिर ये कह दीजिए भीषण घमासान युद्ध की स्थिति है, ऐसे में ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना और डॉक्टर शांतेश जिस अंदाज में पुतिन ने स्वागत किया, मिले, मुलाकात हुई, कुछ हंसी मजाक भी दोनों नेताओं के बीच में हुआ है, बॉन्डिंग दिखी है, ऐसे में आज शी जिनपिंग के साथ में पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आएंगी, क्या लग रहा है आपको? जो दोनों देशों के बीच में LAC पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी वो काफी हद तक शांत हो गई है, इस मुलाकात के बाद रिश्तों में बेहतरी आएगी?
बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा आप दोनों देशों के जेस्चर में, जिस तरह से मीटिंग होगी अभी आप देखेंगी। आप देखिए पूरे वैश्विक व्यवस्था में ऐसा नहीं उथल पुथल मचा हुआ है। अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, कौन किस देश के साथ खड़ा है, कौन किस देश के साथ खड़ा है, तो रिलेशनशिप ऐसे गुथे हुए हैं एक दूसरे के साथ कि समझ पाना मुश्किल है कौन सा देश किसका समर्थन करता है, कौन किस देश का विरोध करेगा। ऐसी परिस्थिति में भारत का जो बैलेंसिंग एक्ट है बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। आप देखिए चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ हों या डेवलपिंग कंट्रीज़ हों या जो वार इन्वॉल्व कंट्रीज़ हैं, जो इंगेज हैं वार में, कॉन्फ्लिक्ट इंगेज हैं, वो कंट्रीज सभी कंट्रीज आप देखेंगे भारत की तरफ देख रही हैं। एकमात्र ऐसा एक्टर है जिसका किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध हमेशा कहा जाता है, वेस्टर्न मीडिया कहती है, एकेडमिया कहता है, स्कॉलर्स कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, चाइना है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में चाइना के साथ भी ऐसे रेजुलेशन पे पहुंचना जहां पे एलएसी पे हम पुराने 2020 से पहले वाली स्थिति में जाने के लिए तैयार हो गए, डिस एंगेजमेंट भी बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वर्तमान सरकार की और प्लस चाइनीज सरकार की समझदारी की प्रशंसा करनी चाहिए कि दोनों सरकारें एक दूसरे को देख रहे हैं कि विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक व्यवस्था में ऊपर उठ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे, वार में जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, क्वेश्चन जाएंगे, तो निश्चित रूप से दोनों का नुकसान होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अभी जो आप देखेंगी कि जो पुतिन जी क्या बता रहे थे, पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत अच्छे से मिले, ओपन हार्टली उन्होंने वेलकम किया, आप इसी तरह की देखेंगे सेम जेस्चर आप चाइनीज प्रेसिडेंट साथ भी देखेंगी। यही होने वाला है अभी आने समय में, क्योंकि जो डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक फ्रंट की बात कर रहा हूं या बॉर्डर की बात कर रहा हूं, आप मल्टीलेटरल जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज के इशूज हैं या फिर इकोनॉमिक जो अल्टरनेटिव की बात की जाए, जो नॉन वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल डेवलपमेंटल मॉडल की बात की जा रही, उन सब जगहों पर इंडिया और चाइना मिल करके काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक शुभ संकेत है, क्योंकि अगर वेस्टर्न डोमिनेशन को या डोमिनेंस को हमें घटाना है, कम करना है ग्लोबल साउथ कंट्रीज में निश्चित रूप से, या फिर भारत को ग्लोबल लीडर बनना है, इन सब परिस्थितियों में मुझे लगता है दोनों देश मिलकर ही काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फायदा होगा। जी आपने बताया कि हाँ आशावादी रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है भी, अरविंद सिंह तेजावत जी, लेकिन चीन के बारे में हम कहते हैं कि चीन चालबाजियों से बाज नहीं आता, चीन की कथनी करनी में अंतर है, चीन पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करता है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब ऐसे में अगर गलवान घाटी में हुई घटना के बाद में करीब 5 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच की ये द्विपक्षीय वार्ता दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बनी हुई है, या फिर ये कहिए कि देखना होगा कि कैसे दोनों के बीच में बातचीत होती है, तो क्या उतना पॉजिटिव और आशावादी होना सही है, या चीन के उस बर्ताव को और चीन की नीतियों को जहन में रखना होगा कि चीन तो चालबाज है। रचना जी देखिए, जो कूटनीति में शह और मात तो चलती रहती है, यह हम सब लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। और जहां तक आपने कहा कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, या कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता रहा है, या कि क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान को इस्तेमाल नहीं किया है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी बनना बहुत ही बेहतर चीज है। दूसरी बात यह है कि महाभारत में एक प्रसिद्ध श्लोक है और वह भारत की कूटनीति का भी एक प्रमुख पिलर है, वो ये कि शांति चाहे किसी भी कीमत पर मिले वह ले लेनी चाहिए, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है और वह चीन जैसे शक्तिशाली ताकतवर देश, और वह देश जबकि वह आपका पड़ोसी हो उससे किसी भी तरीके का मन मुटाव नहीं जाता है और लेना भी नहीं चाहिए। और ऐसे में यह काफी बेहतर है, क्योंकि चीन को दरअसल वो जो मिसाइलों वाला जो है हमारा ग्रुप है उसमें उसको एंट्री चाहिए, और बदले में चीन जो है ये बार्गेन करना चाहता है कि भारत को यूएन की सदस्यता के लिए वो उसको सपोर्ट करेगा, पर पहले कौन किसको क्या देगा इस बारे में भी बातचीत चल रही है। अमेरिका दूसरी तरफ चाहता है कि वह चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करें, पर भारत की कूटनीति अब काफी परिपक्व हो चुकी है, वह इस्तेमाल बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हालांकि यह ध्यान रखिए रचना जी कि डिसएंगेजमेंट को लेकर जो समझौता होना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी खाली पेट्रोलिंग को लेकर बातचीत चल रही है कि हाँ हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे, धीरे धीरे उसको समझा बुझा के हमें उसको वापस 2020 वाली स्थिति में लाना होगा, और जब हम 2020 वाली स्थिति में चीन को ले आएंगे तो मुझे लगता है कि यह हमें एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता मिलेगी, और उसके लिए हमें चीन को तैयार करना पड़ेगा। और मूलतः कूटनीति होती क्या है, कूटनीति देश के हितों को तभी प्रोटेक्ट किया जा सकता है
जब आप दूसरे देश के कंफ्यूजन को समझेंगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आप ये जान जाएंगे तो आप एक सफल कूटनीतिज्ञ होंगे और भारत और चीन के संबंधों को ऐसे ही समझना चाहिए। रचना जी, जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में जो अभी के स्थिति है या फिर गलवान घाटी के बाद में जो बातचीत के दौर रहे ब्रिगेडियर स्तर पर, शांतेश जी, इसमें बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश जरूर हुई, अभी तक पूरी तरह से मामला सुलझा नहीं है, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कि चीज़ें सुधरेंगी। अब इस बीच चीन की चालबाजियां अलग अलग तरीके से सामने आई हैं। देखिए, जो घुसपैठ की घटनाएं हुई पाकिस्तान की तरफ से, उसमें मेड इन चाइना हथियार मिल जाना या गाहे बगाहे ये मालूम होना कि चीन इस चालबाजी के पीछे था जो कि भारत विरोधी होनी थी, ऐसे में दिवाली अब नज़दीक है, चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ का नुकसान इस वक्त चीन को उठाना पड़ सकता है अगर इसी तरीके से बॉयकॉट होता है तो, चीन के जहन में भी कुछ तो उम्मीदें होंगी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सोच रहे हैं। देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, चीन की स्थिति बहुत मजबूत है वैश्विक राजनीति में। अब ये कहना कि चीन को बॉयकॉट करके और एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, जो हमारा अपना एक विजन है, तो बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, चाहे अमेरिका हो, यूरोप या कोई भी विश्व का पार्ट है, वो चाइना से अलग होकर काम नहीं। अब दुनिया का सबसे बड़ा अगर सप्लाई चेन कोई कंट्री है, बेसिकली चाइना आज के टाइम बुरा है। तो ऐसे समय में हम सच्चाई को स्वीकार करके ही आगे बढ़े। ये ठीक है, आप छोटे छोटे घरेलू राजनीति में मुद्दे आते हैं, आप बायकॉट भी करते हैं, वो एक अपना विषय अलग है, उस पर चर्चा किया जा सकता है अलग से। लेकिन आप देखेंगे भारत सरकार कभी इस तरह चीज़ों को प्रमोट नहीं करती ऑफिशियली। और हाँ, एक चीज़ जरूर कर सकते हैं, हम अपने यहाँ खुद अपनी सशक्त आर्थिक व्यवस्था बनाएं, अल्टरनेटिव एक इकोनॉमी खड़ी करें, जो चाइना की जो रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी चाइनीज इकोनॉमी पे है, सप्लाई चेन पे, वो घटे हमारी, तो वो धीरे धीरे जो ट्रेड बैलेंस है वो घट भी रहा है, ऐसा नहीं है, पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, इस घटनाक्रम में फायदा किसको हो रहा है, क्या भारत को हो रहा है या फिर चीन को ना हो करके अमेरिका को हो रहा है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज को हो रहा है। आप देखेंगी जैसे हमारे संबंध चाइना से खराब होते हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो आप ये जो परसेप्शन क्रिएट करने वाली पॉलिटिक्स है पूरे वैश्विक व्यवस्था में, उसको भी समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है जो क्रिएट किया जा रहा है कि आपका एंटी चाइना है। आप एक सिंपल सवाल है, मैं आप सबसे पूछता हूँ या जितने लोग हैं उन सबसे है कि आप देखिए, क्या लगता है कि अमेरिका जिन देशों के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता उनके साथ डिफरेंसेस नहीं है, जबकि बॉर्डर भी नहीं है, वो माइल्स किलोमीटर अवे है अमेरिका से, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस है, उनको प्रॉब्लम्स है, किस कारण? क्योंकि उनके नेशनल इंटरेस्ट इंपैक्ट होते हैं। यहाँ तो भारत और चाइना तो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये छोटी घटनाएं हैं, इसको उसी तरह देखना चाहिए, बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए और दोनों देशों को विकास के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। कॉन्फ्रंट रहेंगे, कॉन्फ्रंट करेंगे तो मुझे लगता है दोनों देशों को नुकसान होगा, क्योंकि दोनों देशों के एस्पिरेशन हाई है, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना है। जब बार बार कहा जाता है, चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, वेस्टर्न एनालिस्ट हो या फिर एक्सपर्ट्स हो, यही कहते हैं आने वाला सदी जो होगा वो भारत और चाइना का है। तो कहने का मतलब ये स्वीकार करना पड़ेगा दोनों देशों को, अगर लड़ेंगे तो दोनों मरेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका लड़ना नहीं है, सौहार्द पूरे तरीके से काम करना है, एक दूसरे को सहयोग करना है, जिस दो डिफरेंसेस उसको मिनिमाइज करना है, उसी पद पे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम आपस में लड़ेंगे इसका फायदा तीसरा ले जाएगा, और वो तीसरा कौन है बताने की जरूरत नहीं है। जी धन्यवाद। लेकिन अरविंद जी, जितना पॉजिटिवली हम सोच रहे हैं या फिर जैसा अभी शांतेश जी ने जिक्र किया, क्या उतना ही पॉजिटिवली यहाँ पर चीन भी सोच रहा होगा, क्या उसकी सोच भी ऐसी होगी? और जाहिर सी बात है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फायदे के कोई देश किसी के साथ आगे बढ़ता नहीं है। चीन के तो अथाह स्वार्थ भारत के साथ में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल रचना जी, देखिए, अगर चीन को आप ऐसे टोटलिटी में चीन ले रही है जिसमें चीन की जनता भी शामिल है, तो एक सर्वे किया था चाइनीज यूनिवर्सिटी ने, उसके अनुसार ये है कि चीन की जनता भारत को लेकर इतना कंसर्न नहीं है जितना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। भारत की जनता चीन को लेकर जितनी चिंतित है, चीनी लोगों में इतना भय भारत को लेकर या इतना कंसर्न नहीं है जैसा कि हम पाकिस्तान को लेकर अक्सर रहते हैं। तो पहले तो यह चीज स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर चीन के कूटनीतिज्ञों की आप बात कर रही है, तो वह तो देख रहे हैं उनके अपने साउथ चाइना में अपने इंटरेस्ट हैं। भारत ने जो समुद्र के किनारे वाले जितने भी देश हैं उन सबको मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर, और कुछ लोगों को तो EMI पर भी उन्होंने मिसाइल दे रखी है कि आप कोई बात नहीं, आराम से पैसे दीजिएगा, अभी चीन को आप चेक करते रहिए। क्योंकि चीन जो है हमारे दक्षिण एशिया में बहुत ज्यादा कुछ समस्याएं खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें काउंटर तो करना पड़ेगा उसके बदले में। तो ये इस तरीके की शह और मात चलती आ रही है। और दरअसल वेस्टर्न मीडिया को देखने का एक खास तरीका है, और क्योंकि भारत एक कॉलोनियल कंट्री रहा है, तो हमारे जितने भी जो सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के हैं वो अंग्रेजी वाले हैं,
अगर हम चीनी भाषा सीख के अगर हम वहां की डिप्लोमेसी को और वह समझेंगे तो एक अलग ही सिनेरियो पैदा होगा। तो बहुत ज्यादा इतना डरने की बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि वो बहुत ही खतरनाक बात थी जो 2020 में हुई थी। हाँ। उसको ठीक करना है और कूटनीतिक तौर पर हमें यहाँ विजित होना है, और यह तभी होगा जब हम बेहतर कूटनीति का इस्तेमाल करें। एक चीज मैं और ये बोल देना चाहता हूँ, उसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा, कि दरअसल भारत जो मजबूत है वो टर्सरी सेक्टर में है। टर्सरी सेक्टर के मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि वह सेक्टर होता है जिसमें सेवाएं दी जाती है, सर्विसेज हैं, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हो या टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह, ये है। तो भारत उसमें मजबूत है। चाइना है वो सेकेंडरी सेक्टर में मजबूत है। सेकेंडरी सेक्टर वह होता है जिसमें निर्माण कार्य होता है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह। भारत अभी सेकेंडरी सेक्टर में मजबूत होने के लिए कोशिश कर रहा है, और चीन टर्सरी सेक्टर में मजबूत होने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर भारत निर्माण का एक बहुत बड़ा अड्डा बन जाता है विश्व के लिए, तो वह चीन को ओवरकम कर सकता है। इसका कोई सैन्य हल नहीं है, इसका आर्थिक हल ही है। और चीन ने पिछले 20-30 सालों में एक बहुत ही मजबूत तरीके से अपनी इकोनॉमी को बनाया है, और आज इसी कारण वह विश्व शक्ति है। और उसके लिए रचना जी पॉलिसी लेवल पर हमें परिवर्तन करना होगा। तो मैं शांतेश जी और रचना जी से यही बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपका जो आंकलन है वो बिल्कुल ठीक है। और हम यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय वार्ता का जिक्र कर रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों को पिछले 5 साल में किस तरीके से देखा गया, और गलवान घाटी के बाद कैसे इन रिश्तों में खटास आई, और कैसे अब वो जो बीच की खाई थी वो पटती हुई या भरती हुई नजर आ रही है, उस पर हमने बात की। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर है जिसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, या फिर ये कई निगाहें उस पर थी। कजान में रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और ये जो मुलाकात की तस्वीर है सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हुई है। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ में द्विपक्षीय बातचीत की। पीएम मोदी ने यूक्रेन जंग को लेकर भी पुतिन को संदेश दिया है। ये कहा है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण होना चाहिए, भारत हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। इससे पहले हमने देखा 9 जुलाई को भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के न्योते पर पीएम मोदी पहुंचे थे, तब भी दोनों के बीच में मुलाकात हुई। करीब 3 महीने बाद फिर से दोनों नेता मिले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र एक बार फिर से हुआ है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी का मिलना, और अब दोनों का जिस तरीके से मुलाकात पीएम मोदी के साथ में होती है, यानी कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में जैसे मुलाकात होती है, उस मुलाकात के बीच रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करना या ये मुद्दा उठाना, ये बड़ी मजबूती की बात है जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी के जरिए बार बार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है इस मसले पर, एक बार सुन लेते हैं। एक्सलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश एकदम साफ था, क्लियर था, और ये बता दिया गया कि कैसे समझदारी से ही इस युद्ध की स्थिति का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, और भारत हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। साथ ही साथ ब्रिक्स समिट में
उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए, क्योंकि यहाँ कई महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत होगी। लेकिन साथ ही साथ यहीं इसी टेबल की एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन अपनी बात कहते हैं ट्रांसलेटर्स, चूंकि दोनों देशों की लैंग्वेज अलग है, पुतिन अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में बात करते हैं। अब दोनों देशों के नेताओं के बीच में जब मुलाकात होती है तो ट्रांसलेटर वहाँ मौजूद होते हैं, पुतिन अपनी बात कहते हैं, ट्रांसलेटर वहाँ ट्रांसलेट करने की शुरुआत ही करते हैं, फिर पुतिन बीच में टोकते हैं, बोलते हैं, जिसका ट्रांसलेटर हिंदी में अनुवाद करके पीएम मोदी को बताते हैं कि पुतिन ये कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग है, ऐसे रिश्ते हैं, मैं तो ये समझ रहा था कि ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही शायद आपको नहीं होगी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हंसकर रिप्लाई करते हैं और फिर दोनों देशों के बीच में जो बातचीत हुई वो बहुत सकारात्मक हुई है। अरविंद सिंह तेजावत जी, रूस के कजान में पीएम मोदी का पहुँचना, फिर पुतिन का इस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत करना, हाथ मिलाना, दोनों नेताओं की बातचीत होना, 9 जुलाई का भी वक्त मुझे याद है जब पर्सनली घर पर इनवाइट किया गया था और दोनों ने खाने की टेबल पर बातचीत की थी, फिर पुतिन का यूं मजाकिया लहजे में कहना कि भाई हमारे बीच का ऐसा रिश्ता है कि ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, इन सभी बातों को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, कूटनीति में दरअसल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके काम करने के तरीके, इन सब चीज़ों का बहुत ही मायने होता है। जैसे कि भारत के संबंध में जब चीन में एक ऐसा ही रेजुलेशन लाया गया था और उस समय भारत के जो बाद में जो विदेश सचिव भी बने और जो उस समय एम्बेसडर थे चीन में, जगत मेहता, वो वहां से उसका बाइकॉट करके वो बाहर निकल आते हैं, तो बाइकॉट करना, हंसना, खिलखिलाना, इन सब चीज़ों के काफ़ी मायने होते हैं। और जब पुतिन ने ये मजाक किया तो ट्रांसलेटर और वो पूरे के पूरे सारे लोग मुस्कराए बिना नहीं रहे, सब लोग खिलखिला के हंस पड़े। पुतिन साहब ने ये कहा, जैसे ही ट्रांसलेटर ने वो रशियन की वो अपनी बात को हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है ट्रांसलेट करने की, क्योंकि हम दिल की भाषा समझते हैं। तो मोदी जी एकदम सकते में आगे किया है, बिना रशियन जाने में कैसे जवाब दूंगा। तो ये बहुत ही मजेदार था, पर ये बताता है कि दोनों देशों के बीच में दोस्ती कितनी गहरी है। और यह देखिए, अमेरिका कभी भी खरा दोस्त नहीं निकला है, जब भी जरूरत पड़ी है अमेरिका हमेशा भाग के गया है, जबकि रूस ने बुरी से बुरी हालत में हमारी मदद की है। रूस की मदद से आज चाहे हम एक विश्व शक्ति बन गए हैं और हम रूस के एहसानों को चाहे दरकिनार करें राष्ट्र हितों को ध्यान में देखकर, पर आज अगर भारत यहाँ तक पहुंचा है तो उसमें रूस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रूस की मदद, रूस की आर्थिक मदद और उसकी सैन्य मदद, हर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि रूस ने ये एक बहुत ही सेवा भाव से किया था, रूस के अपने भी हित थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी, और भारत के अपने भी हित थे, पर यह सत्य है कि रूस की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ऐसे में भारत का रूस एक विश्वास वाला दोस्त है जिसको खोना किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि काबिले तारीफ नहीं होगा। आज भी अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर इतना कंजूसी दिखाता है, जबकि रूस ने तहे दिल से तकनीकी का हस्तांतरण किया है। अमेरिका को भी यह दरियादिली दिखानी चाहिए, मुझे लगता है कि तभी वैश्विक स्तर पर भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा गर्मजोशी भरे हो सकते हैं। और भारत तो कबीर वाली बात को मानता है कि ना काहू से दोस्ती। एंड कॉमेंट आपका, अगर व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच में एक घनिष्ठता दिखती है तो ये दोनों देशों के पुराने रिश्ते और पुरानी दोस्ती का असर है या पीएम मोदी के बढ़ते कद का असर है, शॉर्ट में? निश्चित रूप से अगर आप बोले तो दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकमात्र एक ऐसा बिंदु है जिसपे आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत पर्सनलाइज रिलेशनशिप है और मोदी जहाँ भी जाते हैं देखेंगे, टॉप लीडरशिप जिस भी कंट्री का देखेंगे उनके साथ बड़ा पर्सनलाइज अटैचमेंट होता है। डिफरेंसेस होते हैं, जबकि कई बार आप देखेंगे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कंट्री का अपना एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। जैसे अमेरिका को बात भी हमारे मित्र तेजाव जी कह रहे थे कि भारत का बड़ा अच्छा संबंध है, उसके बावजूद अमेरिका कई मुद्दों पे भारत के साथ नहीं रहता है, क्योंकि जैसे जिस तरह रेजुलेशन लाया रसिया यूक्रेन वार में, बहुत सारे मुद्दों में, इसराइल के वाले मुद्दे पे भारत कभी भी कोशिश नहीं करता है किसी मुद्दों पर पोजीशन ले, वो अपना एक पोजीशन ये रखता है, स्टैंड रखता है कि नहीं हमें किसी साइड में नहीं जाना है, मैंने रशिया का सपोर्ट नहीं करना, मैंने अमेरिका का सपोर्ट नहीं करना, नेटो का सपोर्ट नहीं करना, ऐसा इंडिया करता है नहीं। इन जो वार है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इन लोग अपने राष्ट्रीय हितों की टकराहट है, इसमें इंडिया क्यों इन्वॉल्व होगा? लेकिन हाँ, इंडिया हमेशा एक कमेंट पास करता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करते रहना है, क्योंकि भारत शांति में विश्वास करता है। आप एक चीज और नोट करिए, ये जो जेस्चर है जिसको हम बार बार कहते हैं हग डिप्लोमेसी, को मोदी जी इवॉल्व किए कि हग डिप्लोमेसी है, गले मिलने की, और ये ऐसी डिप्लोमेसी होगी दुनिया के तमाम नेता इसको
अपने आप खुद उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं, पिछले 2024 का ही एग्जांपल है, जब पुतिन जाते हैं चाइना, जी जिनपिंग को गले मिलाते हैं, वैसे उतनी गर्मजोशी था जितने गर्मजोशी से मोदी जी उनको गले मिलाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं कॉपी कर रहे हैं। भारत का नमस्ते करने का स्टाइल हो जो दुनिया के अलग अलग देशों में और राष्ट्र प्रमुखों के जरिए फेमस हो गया, और फिर चाहे वो गले मिलने की बात हो, सकारात्मक सोच और सकारात्मक नीतियों के लिए भारत की पहचान है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद दुनिया भर में बढ़ता हुआ नजर आता है, और गर्मजोशी से राष्ट्र प्रमुख पीएम मोदी से मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं।